नमस्कार, मी वैष्णवी। आपण पाहत इंडियन टीव्ही न्यूज। इंडियन टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। चला तर नजर टाकूयाच्या काही विशेष घडामोडींवर। गुरुवर्य अब्दुल भाई बाबा यांनी सर्व नागरिकांना रमजान ईद आणि अक्षय तृतीयाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या। सबसे पहले पूरे शहरवासियों को ईद मुबारक। रमजान का पवित्र महीना जाते हुए आज इनाम का दिन है। अल्लाह ताला रमज़ान के 30 दिन के रोज़े रखने के बाद ईद मनाने का इस्लाम धर्म में हुक्म है और आज ईद का दिन है। मैं मेरे पूरे परिवार के तरफ से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे शहरवासियों को ईद मुबारक कहता हूँ। और अक्षय तृतीय है सनातन धर्म के हिसाब से बहुत पवित्र दिन है। आज के दिन बहुत शुभ कार्य होते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है। इस भारत देश के अंदर पवित्र महीना गुजरते हुए रमज़ान जाते हुए ईद उल फित्र का दिन और अक्षय तृतीय ये दोनों एक साथ आना ये बहुत शुभ चीज़ की पहचान है। इसलिए मैं सारे धर्म के लोगों को ईद मुबारक के साथ साथ अक्षय तृतीय मुबारक भी बोलता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे देश की आबो हवा हमेशा कायम रहे। यहाँ पर जो आपसी भाईचारगी है वो हमेशा सलामत रहे। हिंदुस्तान के अंदर आने वाली हर ज़मीनी आसमानी बलाओ मुसीबत से अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे। हम जिस मुल्क में रहते हमें बहुत फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क में रखा जहाँ पे बड़े बड़े बुज़ुर्ग बड़े बड़े महात्मा संत इस ज़मीन पर आराम कर रहे। तो ये बुज़ुर्गों की सरज़मीन है। यहाँ पर हम जैसे लोग भी रहते हैं जो बड़े गुनहगार हैं, फिर भी अल्लाह का एहसान है कि हम लोगों को यहाँ पर अमन अमान और सुकून से रखा है। इसलिए मैं आपके माध्यम के तहत पूरे शहर और पूरे देशवासियों को ईद मुबारक कहता हूँ। नमस्कार। या होते इंडियन टीव्ही न्यूज। तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकतात। 9320420420। तर आता वेळ झाली निरोप घेण्याची। उद्या पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी। तोपर्यंत धन्यवाद।